हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजू और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम दही और इसमें मैं डालूँगी एक बड़ा चम्मच बेसन। और इसमें मैं डालूँगी खूब सारा पानी। इसे मुझे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना हैंड मिक्सर। दही और बेसन तो हो चुका है मिक्स, तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में और करती हूँ पकौड़ी बनाने की तैयारी। उसके लिए मैंने लिया है बेसन एक बड़ा चम्मच। इसमें पानी डालकर मैं एक घोल बना लूँगी। ये घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही थिक होना चाहिए। ये घोल बन चुका है और इसमें मैं डालती हूँ एक कटा हुआ प्याज। थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ। बस थोड़ा सा पानी डालना है और इसको मिक्स कर दूँगी। अब ये बिल्कुल तैयार है। ये गाढ़ा इसलिए हो गया था क्योंकि बेसन पानी डालने के बाद फूल जाता है, तो ये थोड़ा फूल गया था इसलिए गाढ़ा हो गया था। अब ये बिल्कुल ठीक है। पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले ही तेल चढ़ा दिया था, तो अब वो गर्म हो चुका है तो मैं पकौड़ियाँ बनाना शुरू करती हूँ। मैंने स्पून की मदद से ही बना रही हूँ। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं एक एक चम्मच बैटर डाल दूँगी। ये पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी तरह से फूल रही हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कैसे एयर की वजह से होल्स आ गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बेसन को काफ़ी देर तक फेंटा था। अगर आप बहुत देर तक बेसन को नहीं फेंटना चाहते हैं तो आप उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा मिला दें, तब भी पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है क्योंकि मैं बाद में भी तड़का लगाऊंगी तो तब भी तेल इसमें पड़ेगा। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और मेथी। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी दो तीन तेज पत्ते, क्योंकि तेज़पत्ते का फ्लेवर कढ़ी में बहुत ही अच्छा आता है। इसको मैं कुछ सेकंड के लिए भून लूँगी। मेथी का थोड़ा सा कलर चेंज होते ही मैं इसमें दही और बेसन का जो घोल मैंने बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें मैं एक गिलास पानी और डालूँगी।
अब इसको लगातार चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको बीच में छोड़ दूंगी तो दही जो है फट जाएगा और बेसन की गांठें बन जाएंगी। जैसे ही वो फूलेगा पकेगा तो उसकी गांठें गांठें बन जाएंगी, इसलिए इसको लगातार चलाना है। इनफैक्ट मैं इसे एक हाथ से चलाऊंगी और दूसरे हाथ से मसाले डालूंगी। इसको मैंने तब तक लगातार चलाना है जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया, हल्दी, और इसमें डालूंगी मैं नमक। एक उबाल आने तक इसे लगातार चलाऊंगी मैं। इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च भी मैं डाल देती हूँ, ये भी पक जाएगी इसके साथ ही। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। आप देख सकते हैं कि कढ़ी में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब ये कढ़ी है बिल्कुल सेफ, ये बिल्कुल नहीं फटेगी। और इसको मैं कम से कम 20 मिनट तक उबालूंगी, पकाऊंगी इसको। गैस कर देती हूँ सेम, और इस कढ़ी को पकने देती हूँ। कढ़ी को बीच बीच में चलाते भी रहें वरना ये बाहर निकल आएगी उबल के। इसको काढ़ना बहुत पड़ता है, शायद इसीलिए इसका नाम कढ़ी पड़ा है। कढ़ी के बन जाने की निशानी ये है कि जो झाग बन रहे हैं सारे, ये बिल्कुल कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, तब हम मानेंगे कि हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल पक चुकी है। तो इसको पकने देते हैं। कढ़ी को पकते पकते करीब 20-25 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी कम हो गई है। ये यहाँ तक थी और यहाँ पे हो गई है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ पकौड़ियाँ। और इन्हें भी मैं 2-3 मिनट तक पका लूँगी, ताकि ये भी जो इसके फ्लेवर्स हैं कढ़ी के वो अपने अंदर सोख लें और थोड़ी फूल जाएँ। कढ़ी तो पूरी तरह से बन के तैयार है। अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में और इसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। और इसके लिए मैं फिर से इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसमें आप चाहें तो थोड़ी राई या सरसों डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे ये गर्म होगा, ये सूखी हुई दो लाल मिर्च और डाल देती हूँ इसमें, ये पिसी हुई लाल मिर्च। और ये तड़का जो है बिल्कुल तैयार है, इसे मैं डाल देती हूँ कढ़ी के अंदर। और ये कढ़ी तो हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।